और नहीं समझू फैन कैसे हैं आप। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको मज़ेदार सी छिलकों वाली मूंगी की दाल। इसको मैंने सो करके रख दिया, आधे घंटे हो गया इसको। इसको मैं छान लूँगी। जिस तरफ मैंने कुकर में पानी उबाल होने के लिए रख दिया। जब बॉयल पानी में हम दाल डालते हैं तो बहुत मज़े की दाल बनती है। और इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। दाल उस में पानी में थोड़ी सी उबल गई है जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखता है। अब इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे। ये कड़ी पत्ते का पाउडर है 1/2 टीस्पून और दानेदार हमारा नमक है। रेगुलर ब्रिक नमक तो आप अपने हिसाब से कम दर रखा सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। ये स्पाइसेस के अंदर डालेंगे और प्रेशर चढ़ा देंगे। दाल हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसके लिए तड़का बनाते हैं। फ्राई पैन में लिया है, उसमें ऑयल डालती हूँ और ये लहसुन मैंने लंबा लंबा काट लिया है और हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर एंड में डालेंगे। इसका हम भरकार लगाएंगे दाल को। पहले ऑयल गर्म करें रखते हैं। घी में हमने लहसुन डाल दिए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा इसको। और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। डाल के थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब उसमें हम गोल लाल मिर्ची डालेंगे। ये ब्राउन लाइट ब्राउन हो गया, मैं लंचे भी डाल दिए। ये ज़ीरा और थोड़ा सा गर्म मसाला है साबुत, वो डाल देंगे। इससे इतनी मज़े का फ्लेवर आता है दाल में। अब इसको बस मारे बस थोड़ा सा हैं और दाल के इसको हमें जब इसे हमने इसको ढक्कन दे देंगे। ये फ्रेंड तैयार है मज़ेदार छिलकों वाली मूंगी की दाल। अगर आपको मेरी मूंगी की दाल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।